الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما मोहब्बत दे नाल पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व साबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह बलगल औला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا مالک ہر دو سرا شفیع معظم حبیب مکرم جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود اور سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ خالق کائنات دا بے حد و حساب مرتبہ شکر اور انعام و احسان ہے کہ خلاق کائنات نے سانو ساری زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک دا عظیم دن عطا فرمایا اور اس تو بڑا احسان اللہ کریم نے سانو
नमाज़े जुमा दे वास्ते पहलियां घड़ियां दे अंदर मस्जिद विच आन दी तौफीक अता फरमाई। और मैं दुआ गोहा जनाब मोहम्मद रफीक कादरी साहब और उन्होंने दोस्तों के वास्ते अल्लाह करीम उन्हां दी इस अजीम कावश नूं कबूल फरमाए। अजीज दोस्तों मौजू ते शहादत हुसैन दा मैं बयान करना सी तरतीब दे मुताबिक, लेकिन शहादत हुसैन नूं मैं अगले जुमे ते मुंतकिल कीता है। और इस जुमे वक्त दी मुनासिबत दे नाल सलाह जदगान दे वास्ते उन्हां दी हौसला अफजाई और उन्हां दे नाल तावन दे वास्ते मैं जनाब दे सामने मौजू बयान करांगा। दुआ करो अल्लाह करीम शरह सदर दे नाल बयान दी तौफीक अता फरमाए। वक्ते हाजर दे अंदर कई लोगों के आमाल बल्कि अक्सर लोगों के आमाल इस तरह के ने कि शायद उन अमलों की वजह के नाल लोगों ते सख्तियां और तकलीफां अल्लाह ताला दी तरफ नाजिल हो रही हैं। जिस तरह साढ़े सामने बिल्कुल आया है कि मस्जिदा इस वेले वीरान ने, हुकूकुल्ला ते हुकूकुल्ला ने नमाज रोजा हज जकात इस तो इलावा हुकूकुल इबाद दे भी लोग दुश्मन बने हुए ने। एक भाई भाई दे वास्ते दिल दे अंदर हसद और नफरत रखते ने अक्सर लोग, मैं कुल्ली तौर ते नहीं कहता। उसकी वजूहात अगर अहादीस से मुबारक वेखिए ते बड़िया वजूहात मिलदिया ने। मैं अक्सर भाई रफीक साहब एक गल कहता हुना कि हदीस से पाक है अल गिनाउ युम्बितुल निफाका कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। साडे आका ने फरमाया कि गाना बाजा जड़ा ना गाना बाजा ये दिल दे अंदर इस तरह मुनाफकत पैदा कर दे जिस तरह पानी घा उगांदा है, जिस तरह पानी दे नाल घा सुगदी है। फरमाया गाने बाजे दे नाल दिन दे अंदर इस तरह मुनाफकत पैदा होंदी। अंदाजा तुसी आप लगा लो कि अज हर जेब दे अंदर गाना बाजे, हर घर दे अंदर गाना बाजे। बल्कि मैं ये कहता हूं कि ना चाहते होया भी, ना चाहते होया भी कई अहबाब यहो जे ने जेड़े फिर भी गाना बाजा सुनन ते मजबूर ने। तो बहरहाल दो चीजा ने, तवज्जो दे नाल अगर गल समझो तो समझ जाएगी। दो चीजा ने, एक हुंदी है रब दी तरफों आजमाइश और एक हुंदी है रब दी तरफों सजा। दो चीजा हदीस से बाग दे अंदर आईया ने।
मैं जनाब दे सामने दलील पेश कर देना। तिरमिजी शरीफ दी हदीस से पाक है, नबियां दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिही खैरन अज्जल लहुल उकूबत फिद दुनिया। फरमाया जदों अल्लाह अपने किसी बंदे दे नाल भलाई दा इरादा कर लेंदे ते उन्दे वास्ते दुनिया विच ही उन्दे गुनाहां दी उन्हूं जल्दी सजा दे देंदे। अल्लाह भलाई दा जिंदे नाल इरादा करदा दुनिया विच ही उन्हूं सजा मिल जांदी। और फरमाया भाई इज़ा अराद अल्लाहु बि अब्दिही शर्रा अमसक अनहु बि ज़म्बिही हत्ता युवाफिया बिही यौमल क़ियामा। फरमाया जिंदे नाल अल्लाह भलाई दा इरादा नहीं ना करदा, फरमाया फिर अल्लाह उन्दे गुनाहां दी सजा रोक लेंदे ते कयामत वाले दिन युवाफिया बिही पूरी पूरी उन्हें सजा दिती जाएगी। अच्छा, इस तो मालूम है होया बाज़ुकात कोई तकलीफ परेशानी मुसीबत पहुंच दिए ते उन्दी सजा साढ़े गुनाहां दी, साढ़े गुना। रब जुलम नहीं करता किसे ते, कोई आखे भी सलाब आ गया है जलजला आ गया है ते रब जुलम पे करता है, महाज अल्लाह अपने बंदियां ते रब जुलम नहीं करता, बल्कि इन्दे विच भी भलाई रब करता है। अच्छा, एक तो हो गया सजा, ते कई दफा इंज हुंदा है बंदे दे गुनाह दी वजह नाल सख्तियां नहीं आंदियां, बल्कि कादे वास्ते सख्तियां आंदियां नहीं। दूसरी हदीस पाक दे अंदर हुजूर ने फरमाया, इन्ना इज़ामल जज़ाई मा इज़ामिल बला। फरमाया अगर अजीम बदला अल्लाह किसे नु देना चाहता है ना तो उन्दे ते अजीम परेशानी पा देंदा है, अजीम अजमैश पा देंदा है। और फरमाया वा इन्ना अल्लाह ताला इदा अहब्बा कौमन इब्तलाहुम। फरमाया जदों अल्लाह किसे कौम नाल मुहब्बत करदा है ते अल्लाह फिर उस कौम नु अजमैश विच मुबतला कर देता है। अल्लाह दी मुहब्बत हुंदी है, अल्लाह जिंदे नाल मुहब्बत करदा है उन्हों अजमैश विच मुबतला कर देंदा है। और फरमाया फमर रदिया फलाहुर रिदा, जेड़ा आजमैश विच रब दी जात ते राजी रहिंदा है, वावेला नहीं करदा, चीखो पुकार वैन नहीं करदा, रब दी रजा विच राजी रहिंदा है। फरमाया उन्दे वास्ते रब भी रजा है, रब राजी हो जाता उस बंदे पे। और जेड़ा नाराज हो गए, नाराजगी का इजहार करे, फरमाया फिर अल्लाह भी उन्दे ते नाराज हो जाता है। इन हदीसा तो मालूम हुआ होया या उन्दी है सजा ते या उन्दी है जजा, जजा यानी बदला बुलंद करने वास्ते अल्लाह ताला अजमाइश दे विच मुबतला कर देंदे। ये उन अल्लाह जानदे वक्ते हाजर दे अंदर साडे पाकिस्तान दे अंदर लोगां ते सजाए या जजाए या अजमाइश है, ये अल्लाह दिलां दे राज जानदे। वरना अजमाइश होवे या सजा हो उन्दे ते अगर सबर किया जाएगा ना, अल्लाह फिर भी उसका बेहतर बदला अता फरमाता है, रहमत अता फरमाता है। वेखो ना यार, रब की रहमत है ना, फिर भी अल्लाह रहमत अता फरमाता है। तो जे आखो तो कुरान सुना दें, जे सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ अल्लाह खालिक कायनात ने फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन।
रखे, इक्को दा लेवल घटा के रखे। सुनो अल्लाह वादा शरीक मौला ने फरमाया ऐ ईमान वालेओ असी तुहानू आजमावांगे बिशयइन मिनल खौफ, कभी खौफ देवांगे कभी भुख देवांगे, कभी माला दे अंदर कमी होवेगी, कभी जाना दे अंदर कमी होवेगी, कभी फला दे अंदर कमी होवेगी। फरमाया जेड़ा साडी आजमाइश ते सबर करेगा ऐ हबीब सुनिया उन्हां सबर करन वालियां नूं खुशखबरियां सुना देवो। यार खुशखबरियां कादियां ने, अल्लाह फरमांदा है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह फरमांदा है अल्लाह उन्हां ते सबर करन वालियां ते जिन्ना ते आजमाइश आई होवे, जिन्ना ते परेशानी आई होवे, ओ बंदे अगर सबर करनगे अल्लाह फरमांदा फिर असी उन्हां ते अपनियां खास रहमतां नाजल फरमा देवांगे। वेखन दे अंदर सैलाब आया होवेगा, वेखन दे अंदर जलजला आया होवेगा, अगर बंदे सबर करन, लोग सबर करन, अल्लाह फरमा दे असी रहमता नाजल फरमा देवांगे। सुन यार किवें दियां रहमता अल्लाह नाजल फरमांदा है, अल्लाह दियां हिकमता अल्लाह ही जानदा है, लेकिन तेरे सामने मैं बड़ी प्यारी दलील दे नवा अल्लाह किवें दियां रहमता नाजल फरमांदा है। हदीसे पाक दे अंदर आया मदीने दे ताजदार ने फरमाया मायूसी बिल मुस्लिमा मिन नसब वला वसब वला हम वला हजन वला अजन वला गम ताजदार ने फरमाया किसी भी मुसलमान नु अगर कोई परेशानी पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई हैरानगी पहुंचती है, कोई गम पहुंचता तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह दे प्यारे हबीब ने फरमाया हत्ता के अगर इन्नी भी तकलीफ पहुंची है, अगर कंडा चुभया ना कंडा, राह विच जांदे आ कंडा चुभ गया केड़ी एडी वड्डी गल है, अल्लाह दे प्यारे हबीब ने फरमाया अगर कंडा भी चुभया ना कंडा, वड्डियां मुसीबतां ते आका फरमांदे ने उन्हां ते बड़ा वड्डा अजर होवेगा। फरमाया अगर कंडा भी चुभ जावे किसे मुसलमान नो, फरमाया अल्लाह उस कंडे दी तकलीफ दे बदले अल्लाह उस मुसलमान दिया खतावां नूं माफ कर देंदा है। रब दिया रहमतां ने ना अगर बंदा सबर करे रब खतावां माफ कर देंदा है, गुनाह माफ कर देंदा है। किस तरह मुना अल्लाह गुनाह माफ कर दे, तवज्जो दे नाल समझिया दे। दूसरी हदीस के अंदर तेरे ते मेरे लजपाल आका ने मिसाल दे के बयान फरमाया, नबिया दे ताजदार ने फरमाया मामिन मुस्लिमिन युसीबहु अज़ल शौकतुन फमा फौकहा इल्ला कफ्फर अल्लाह बिहा सय्यिआतिही वहुत्तत अन्हु ज़ुनूबुहु कमा तहुत्तु शजरतु वरकहा। नबिया दे ताजदार ने फरमाया अगर किसी मुसलमान नूं कोई मुसीबत पहुंचे, हत्ता कि अगर कंडा चुभ जावे कंडा, फरमाया उन्हां मुसीबतां दे बदले अल्लाह गुनाहां नूं इवें माफ करेगा जिवें यार जिवें दरख्त दे खजां दे मौसम दे अंदर जिवें दरख्त दे खुशक पत्ते गिरदे ने, अल्लाह बंदे दे बातन तो इंज गुनाह झाड़ देवेगा। किस वजह नाल, किस वजह नाल इवें गुनाह माफ होणगे जिवें दरख्त दे पत्ते जड़ पत्ते जड़दे ने? क्यों बंदा सबर करे तकलीफ ते, परेशानी आई है, कोई मुसीबत आ गई है, बंदा सबर करे अल्लाह गुनाह मानू झाड़ देवेगा। जैन में सवाल आंदा है
दरखत दे पत्ते झड़दे ने बाज़कात सारे झड़दे ने बाज़कात थोड़े झड़दे ने बंदे दे गुनाह किन्ने को माफ हुंदे ने। सुन अगली हदीस के अंदर नबियां दे ताजदार ने फरमाया मा यज़ालु बलाउ बिल मोमिन वल मोमिना फी नफ्सिही व बलदिही व मालिही हत्ता यल्का अल्लाह ताला व मा अलैही खतीअतुन। सुनो नबियां दे ताजदार ने फरमाया ईमान वाला भावें बंदा होवे भावें बीबी होवे उन्दे ते अगर मुसीबतां हमेशा रहंदियां ने परेशानियां रहंदियां ने परेशानियां दे अंदर ही सारी जिंदगी गुजर गई है यार जिवें असीं कहने जिन्हां ते कुछ औखियां मुसीबतां आदियां ने यार असीं कहने यार साडी ते सारी जिंदगी मुसीबतां विच लंघ गई है पर यार फिर भी रब दा शुक्र है जिस हाल विच भी रब रखे अल्लाह दा शुक्र है। ओ यार शुक्र करन वाला बंदा अगर सारी जिंदगी मुसीबतां विच जिंदगी बसर कर देंदा है। नबियां दे ताजदार ने फरमाया कयामत वाले दिन जब अल्लाह नाल मुलाकात करेगा इस हाल के अंदर अल्लाह दे नाल मुलाकात करेगा वमा अलैही खतीअतुन उन्दे ते एक गुनाह भी नहीं होवेगा। सारी जिंदगी बसर होगी गुनाह विच ते जे सबर करता रहे है ना कयामत वाले दिन रब नू दी बारगाह जद हाजिर होएगा वमा अलैही खतीअतुन हुजूर ने फरमाया उन्दे ते एक गुनाह भी बाकी नहीं रह जाएगा। यार मैं तवज्जो करे आज गल समझावा एक अलहदा बात एक अलहदा मौजू है कि इस वेले मुसलमाना दे अजाब या आजमाइश ये अल्लाह ही जान दे लेकिन एक गल याद रखे आदे दूसरे तेरे ते मेरे वर्गे जेड़े आसानिया के अंदर लोग ने उन्ना दे वास्ते भी आजमाइश तेरे ते मेरे वास्ते भी आजमाइश खाली उन्ना वास्ते नहीं जिन्ना दे घर डूब गए खाली उन्ना वास्ते नहीं जिन्ना दे जानवर माल असबाब हलाक हो गए ना तेरे ते मेरे वास्ते भी ए आजमाइश तू पुछेगा यार नूरी साबो किस तरह साडे ते आजमाइश किवें में मैं तेनू कहना यार नबियां दे ताजदार दा फरमान ते सुन नबियां दे ताजदार ने फरमाया मुसलमान मुसलमान आपस दे अंदर दीवार दी तरह होने चाहिए ने। हुजूर ने फरमाया अल मोमिनु बिल मोमिन कल बुनियाद दीवार दी तरह आपस दे अंदर ईमान वाले होने चाहिए ने। ए फरमा के हुजूर ने उंगलियां दे विच उंगलियां इंज पाईयां ए मेरे वल वेखिया जे हुजूर ने फरमाया इंज दीवार तरह होने चाहिए ने फरमाया जिवें इट दे विच इट इंज लगी हुंदी है और दीवार नू मजबूत रखदी है फरमाया ईमान वालिया नू भी इंज होना चाहिदा है। ए हुजूर ने इंज करके फरमाया फरमाया इंज होना चाहिदा है एक दूसरे नू ईमान वालिया नू चाहिदा है एक दूसरे नू मजबूत रखन बल्कि आतनू दूसरी हदीस सुनावा नबियां दे ताजदार ने फरमाया सारे ईमान वालिया नू एक जिस्म तरह होना चाहिदा है। किवें होना चाहिदा है बंदे दा एक जिस्म है ना हालांकि यह अलहदा उजव है इनू हाथ बोलने हैं इनू बाजू बोलने हैं इनू लत्ता बोलने हैं ऐसी ना अलहदा अलहदा उजव ने लेकिन जिस्म एक है उजव अलहदा अलहदा जिस्म एक है उंगल नू कंडा चुभ जावे माड़ी जी तकलीफ होवे सिर्फ उंगली परेशानी तकलीफ महसूस नहीं करेगी पूरा जिस्म महसूस करेगा इंजी है ना जी लत नू दर्द होवे पूरा जिस्म महसूस करेगा उस तकलीफ नू। फरमाया ईमान वाले भावें जाता अलहदा अलहदा ना
जिसम दे आजाद तरह बावे नाम अलैदा लैदा ने जिमें ए हाथ है इंदा ना अलैद है ए लाते इंदा ना अलैद है सीने दा ना अलैद है लेकिन जिसम एक के फरमाया एवें मुसलमान भावे ना अलैदा अलैदा नहीं लेकिन इन्हों एक जिसम की तरह रहना चाहिए की मतलब फरमाया जिमें एक उजव न तकलीफ पहुंचे सारा उजव सारा जिसम उस तकलीफ नु महसूस करता है और उस तकलीफ नु दूर करने की कोशिश करता है। फरमाया ईमान वालियां नु भी आपस दे अंदर एवें एक जिस्म दी तरह होना चाहिए। अगर किसी नु परेशानी आ जाए जिवें सैलाब वालियां नु परेशानी आई ते अज अक्सर लोग एक जिस्म होने का मुजाहरा करते हैं उन्हां दी तकलीफ दूर करने की अपनी अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और नबियां दे ताजदार ने फरमाया अगर कोई बंदा एक जिस्म होना साबित करे और मुसलमान मुसलमान की तकलीफ दूर करता है अल्लाह फिर उस तकलीफ दूर करने वाले नु रहमत अता कर देता है। जिन आजमैश आई है उन्दे ते गुनाह माफ हुंदे ने ते जेड़ा उस आजमाइश ते परेशानियां तकलीफां दूर करन दी कोशिश करदा है वी साडा मुसलमान बराए परेशानियां दी दूर हो जाए उन्हों नहीं अजर मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा अजर की अजर मिलेगा। सुनो नबियां दे ताजदार ने फरमाया मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर फरमाया मन नफसा अम मुमिनन कुरबतन मिन कुरब यौम القيامة मिन कुरब الدنيا नफस अल्लाह अनहु कुरबतन मिन कुरब यौम القيامة फरमाया जेड़ा दुनिया दे अंदर किसे ईमान वाले दी कोई ईमान वाला तकलीफ दूर करदा है दुनिया दी तकलीफ कोई दूर करदा है फरमाया कयामत वाले दिन अल्लाह वादौला शरीक मौला कयामत दिया वड़िया तकलीफा दे विचों ओ तकलीफा उस तकलीफा दूर करन वाले दिया भी दूर कर छेगा। अल्लाह दूर कर देगा तकलीफा। आ यार बल्कि तेरी हदीस सुन नबियां दे ताजदार ने फरमाया वा मैयसर अला मुअसर यसर अल्लाह अलैहि फिल दुनिया वल आखिरा फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया के अंदर किसे तंग बंदे दी तंग दस्ती नूं दूर करदा है अल्लाह उस बंदे दी दुनिया दी भी तंगियां नूं दूर कर देता है आखरत दियां भी सारियां तंगियां दूर फरमा देता है। भी तकलीफ दूर की तंगी दूर की ईमान वाले भी सिर्फ एक दुनिया दी अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्लाह दुनिया दिया भी तंगियां दूर कर देता है आखरत दिया भी तंगियां दूर कर देता है। यार के भी रब दी रहमत बल्कि आ सुनावा नबियां दे ताजदार ने फरमाया इस हदीस का हिस्सा फरमाया वल्लाह फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखीह फरमाया जिन्नी देर तक बंदा अपने मुसलमान भाई दी मुसीबत दूर करने विच रहिंदा है जिन्नी देर अपने भाई की मदद विच लग्या रहिंदा है अल्लाह उस मदद करन वाले की मदद विच लग्या रहिंदा है। जरा गौर करो भी जदों जो अल्लाह मदद करन वाले की मदद विच लग्या रहिंदा है तो क्या अल्लाह आप उन्हां दी मदद नहीं कर सकता? बोलो तो सही। क्या अल्लाह आप मदद
नहीं कर सकता, कर सकता है अल्लाह, कर सकता है, लेकिन रब सोने ने क्यों इंज कीता है। अल्लाह वा दौला शरीक मौला चांदा है बंदे मेरे बंदियां दी मदद करन, मैनू मैं राजी हो के उन्हां दी भी मदद करा, नाल मदद करन वालियां दी भी मदद कर देवांगा। बल्कि आ यार बड़ी मशहूर हदीस सुनावा, यार इंसान इंसान की मदद करे, इंसान इंसान का दुख दूर करे, ये ते बड़ा वड्डा मर्तबा ते मकाम है। आ यार अगर बंदा किसी कीड़े मकौड़े की मदद से करे, किसी हशरातुल अर्द या जानवर जड़े पे जुबान ने उन्हां ते अगर रहम चा करता है, अल्लाह वा दौला शरीक मौला फेर भी अपने बंदियां ते रहमता कर देता है। आ सुनावा दलील दे नाल गल करां, दलील दे नाल आ बुखारी शरीफ के अंदर मुस्लिम के अंदर हदीसे पाके नबिया के ताजदार ने फरमाया, एक बंदा बनी इसराइल दा, रिवायतां दो ने, एक रिवायत है मर्द दी, एक रिवायत है औरत दी। पहले मैं मर्द दी रिवायत पेश करना, फिर औरत दी, दोवें रिवायतें पेश करना। सुनो नबियां दे ताजदार ने फरमाया, बनी इसराइल दा बंदा एक जा रहा है सफर पे, सफर कर दिया कर दिया रस्ते दे अंदर प्यास की शिद्दत हुई है। हदीस के अंदर आंदा है प्यास की शिद्दत हुई, उस बंदे ने आसे पासे वेखे आए, कोई पानी का चश्मा होवे कोई कुआं होवे, एक कुआं नजर आया खूह नजर आया पानी का, ओ बंदा गया है वेखिया डोल भी कोई नहीं रस्सी भी कोई नहीं, ओ बंदा कुएं दे विच उतर गया, उतर के उस पानी पीता अपनी प्यास बुझाई है, जदों कुएं दे विचों बाहर आया है वेखिया कुएं दे बाहर एक कुत्ता प्यासा सी, कुत्ता यार कुत्ता पलीत जानवर है प्यासा है, प्यास की वजह दे नाल गिल्ली जमीन नू प्या चटदा है। हुजूर ने फरमाया गिल्ली जमीन नू कुत्ता प्या चटदा है, उस बंदे दे दिल दे अंदर ख्याल आया यार कुत्ता प्यासा है, जिवें मैनू प्यास लगी रिया नहीं गया पानी पीन वास्ते, डोल भी नहीं सी रस्सी भी नहीं सी, मैं फेर भी कुएं विच उतरिया वा पानी पीता है। ये कुत्ता भी ते जानदार है, ये भी जान रखदा है, ये भी मेरे तरह प्यास दे नाल पे तड़पदा है, तां गिल्ली जमीन नूं पिया चटदा है। दिल दे अंदर एक जानदार जिन्नूं असीं हकीर समझने आ, एक कुत्ते दे वास्ते दिल विच रहम ते मेहरबानी आई है, ओ बंदा फिर कुएं विच उतरिया अपना मौजा उतारिया है, मौजा उतार के मौजा भरिया है, मौजा भर के अपने मुंह दे नाल मौजे नूं पकड़िया है, पैरां विच पैन वाली जुत्ती। हदीस दे अल्फाज ने बई हुजूर फरमांदे ने, उस बंदे ने अपने मुंह दे नाल कादे नाल बिफी ही अल्फाज ने अपने मुंह दे नाल मौजे नु पकड़िया पानी भर के ते कुएं विचों बाहर निकलिया, उस कुत्ते नु उस बंदे ने पानी चा पियाया है। सुनो नबिया दे ताजदार ने फरमाया, अल्लाह वा दौला शरीक मौला नो उस बंदे दी एने की एडी पसंद आई है, फशकर अल्लाह लहू फगफर लहू, अल्लाह ने उस नेकी दे बदले उस बंदे दी बख्शिश कर छड़ी है, और उन्दे ते जन्नत वाजब कर दिती है।
ایتے عام بندے ذکر نہیں آیا گناہگار سی یا نیکوکار سی آتن بخاری دی روایت سناوا ایسی بخاری تے مسلم دعا دے اندر بخاری شریف دی روایت سناوا نبیان دے تاجدار نے فرمایا فرمایا بینما قلب یطیف برکیت قد کادا یقتلہ العطش اذ راتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل نبیان دے تاجدار نے فرمایا ایک بی بی جا رہی سی سفر تے ہے سی بدکارہ تے زانیہ کون سی بڑی بدکارہ عورت بڑی زانیہ قسم دی عورت سی فائشہ بنی اسرائیل دی مشہور زانیہ عورتاں دے وچوں زانیہ عورت سی نبیاں دے تاجدار نے فرمایا او بی بی گئی ہے سفر دے دوران پیاس لگی ہے کنواں نظر آیا ہے کنویں دے دول رسی نہیں سی اس بی بی نے اتر کے آپ پانی پیتا وے پھر اچانک نظر پئی ہے ایک کتا ہے جڑا کنویں دے ارد گرد چکر پیا لاندا ہے پہلی روایت اچھے مٹی چٹ رہے ہیں اس دے اندر بینا قلبن یطیف برکیتن چکر لا رہے ہیں کنویں دے ارد گرد پانی نظر آندا ہے پن پانی نکال نہیں سکدا کنے پانی پیوا پیاس دے نال تڑپدا پیا کتا سنو سنو اس زانیا بی بی نے جدوں ویکھے آئے زانیا بی بی دے دل دے اندر رحم آ گیا کتے دے واسطے ویکھے نہ کیویں تڑپدا پیا وے اس بی بی نے اپنا دوپٹہ اتاریا دوپٹے دے نال موزہ بنیا موزہ بن کے اس نے لبنک کے اینڈ پانی کٹے آئے پانی کٹ کے اس کتے نو چا پلایا وے اے تو زانیا حضور نے فرمایا اے تو زانیا نو اللہ نے ایک کتے تے مہربانی کرن دی وجہ دے نال سارے گناہ معاف فرما کے بخش کے جنت عطا فرما چھڈی ہے ایک کتے دے مہربانی فرمائی یار دس اللہ آپ اس کتے نو پانی پیان واسطے اسباب پیدا نہیں کر سکدا سی کر سکدا سی بھئی الحمدللہ رب العالمین دا معنی کیے ساریاں تریفاں اس رب واسطے جڑا سارے جانا نو پالن آل ہے او جدو پالن آلی ذات بے پرواہ ہے بے نیاز ہے کسے دی پرواہی کوئی نہیں کیا معاذ اللہ اللہ محتاج سی کہ کوئی بندہ آندا تے اس کتے نو پانی پیا دینا اللہ پلا سکدا سی اسباب پیدا کر سکدا سی لیکن اللہ نے کیوں انج کیتا ہے اور رب نے اپنے بندیاں تے رحمتاں وی تے فرمانیاں نے نا کرم وی تے فرمانے نا ورنہ رب چاہے تے کیڑیاں وچ پتھراں نو رزق عطا فرما دیندے بلکہ میں سلاب دانا نیٹ تے میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ایک بھینس سی مجھ پانی اونوں تقریباً جڑا نا اے اوندے ادھے سینے تک سی پانی لیکن او مجھ میں اپنی اکھ نال ویکھی منہ پانی وچ پاندی سی تے تھوڑی دیر بعد منہ باہر کڈ سی تے منہ وچ چارا کھا رہی ہوندی سی اے میں اپنی اکھ نال ویکھیا اے سیلاب دا حال بھی اللہ نے قدرتاں وکھائیاں بلکہ خبراں وچ وی آیا ایک بچہ بالکل سیلاب دے دوران ہی پیدا ہویا ہے اجے اوندی او ناڑو جیا نہیں کٹیا گیا ماں اوندی پتہ ہی نہیں کتھے روڑ گئی لیکن بچہ اجے تک زندہ تے سلامت یہ رب دیاں قدرت رب قدرتاں وکھاندا ہے بھائی ورنہ اللہ تے ہر کسے نوں روزیاں عطا فرما جدو میں ویکھیا نا کہ جناب اس طرح دا اللہ دیاں قدرتاں تے شاناں تے مینوں سلطان باو دا پھر شیر یاد آ گئے جو سبحان اللہ بولے تے سنا دیاں تانوں عارفاں دا سلطان فرماندا تال دلیلا Oh,
अते हो होशियार फकीरा तवक्कल ओ यारा पंछी उड़दे अते पल्ले खर्चे नजीरा ना कर दे नाले जखीरा कोई बंदा कुत्तियां जैसी मखलूक रब दी दे नाल प्यार च करे रहमत च करे मेहरबानी च करे रब जन्नतां ता कर देवे ते अंदाजा लगा अगर कोई बंदा इंसाना नाल प्यार करे ओ अपने मुसलमान भाइयों की जेड़ा इमदाद करे मुश्किल वेले दे अंदर जेड़ा इन्ना मुसलमान भाइयों दे कम आ जावे अंदाजा लगा फिर रब दुनिया अजमत आता फरमाएगा बल्कि तुम मैं हदीस सुनावा नबिया दे ताजदार दी प्यारी हदीस मुस्लिम शरीफ दे अंदर नबिया दे ताजदार ने फरमाया लकद रही तू रजुलन यतकल्लमु फिल जन्नति फी शजरति कदाह मिन ज़हर तरीकी कानत दिल मुस्लिमीन सुनो नबिया दे ताजदार ने फरमाया लोगो मैं जन्नत दे अंदर किथे वेख्या बई इंज नहीं सारे बोलो जन्नत दे अंदर किथे वेख्या हुजूर फरमांदे ने मैं जन्नत विच वेख्या सोणिया की वेख्या जे फरमाया मैं जन्नत दे अंदर एक बंदे नु वेख्या है जेड़ा जन्नत दे अंदर पिया टहलदा है बड़े नाज ते नखरे नाल पे टुरदा है इमेज में बड़ा खुश ते राजी है हुजूर फरमा देने मैं जन्नत दे अंदर एक बंदे नु वेखया जन्नत दे अंदर पिया टहलदा है सियापा ने अर्ज कीती होवेगी या रसूल अल्लाह ओ जन्नत दे अंदर एडा केड़ी नेकी दी वजह नाल पहुंचया है केड़ी नेकी दी वजह दे नाल जन्नत दे अंदर बड़े नाज ते नखरिया नाल पिया टहलदा है नबियां दे ताजदार ने फरमाया उस बंदे ने एक दरख्त कटिया सी रस्ते दे जी रस्ते और करना जरा हुजूर फरमांदे ने उस बंदे ने एहो जिहा दरख्त कट दिता सी ओ जेड़ा दरख्त गुजरन वालेयां नूं तकलीफ देंदा सी ओ मुसलमानां नूं तकलीफ देंदा सी तां करके उस बंदे ने दरख्त कट दिता ताके किसे भी मुसलमान परेशानी ना होवे तकलीफ ना होवे बस उस नेकी दी वजह दे नाल अल्लाह ने रहमतां फरमाईयां ने जन्नत अता कर जन्नत अता कर दित्ती वो करीम आका आया है करीम आका दी उम्मत तो फिर क्यों ना रब रहमतां फरमावे भी दुनिया ते दुनिया विच रह जाने आज किसे मुसलमान दी परेशानी विच मदद करेगा तो वे की फिर रब किनी आजमत आता फरमांदे वरना और रब चाहे तो साडे ते नहीं अजाब आ सकता आजमाइश आ सकती सजा दे तौर ते या आजमाइश दे तौर ते
नहीं आ सकती। जे अल्लाह चाहे तो कोठियां बंगले गिरा दे ते खखां दियां कुलियां अल्लाह महफूज फरमा दे। तां करके पीर वारिशां ने फरमाया काफ कखां दियां कुलियां रहन खलियां चुनेदार हवेलियां इधेंदियां ने वेले औखड़े सौखड़े लग जांदे लंघ जाना उन्होंने मुसलमाना भी वेले लंघ जांदे गल्ला याद सजन दिया रे लंघ जांदे गल्लां याद सजन दियां। एक हदीस सुनावा आखरी, वैसे अजे मजमून बड़ा लंबा मैं तैयार करके आया पर आखरी हदीस सुनावा मौजूद दी टाइम दी वजह दे नाल। असी मुसलमान अगर 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 बेजाते ही यानी खुद उत्थे नहीं जा सकते उन्हां दी मदद वास्ते उन्हां दी तकलीफ आपदे हत्थां नाल नहीं दूर कर सकते तो होर तरीका भी है कि हदीस पाक समात फरमा बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दी हजरत अबू अब्दुर्रहमान जैद बिन खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक रिवायत फरमांदे ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन जहाज़ा गाज़ियन फी सबीलिल्लाह फकद गज़ा। फरमाया जिनने किसी गाजी दे वास्ते समान मुहैया कर दिता, समान मुहैया कर दिता गाजी दे वास्ते, फरमाया ओ इंजी है जिवें उन्हें आप जाके मैदाने जंग विच आप जिहाद कीता है। इसे तरह हदीस पाक दे गौर अगर बंदा करे जेड़ा बंदा आज समान मुहैया कर देवे उन्हां वास्ते बिस्तर कपड़े रुपया पैसा अनाज कोई मुहैया कर देवे तो वो आप बावे नाम ही जावेगा, आप बावे नाम ही जावेगा वो इंजिए जिवें उन्हें आप जाके उन्हां दी मदद कीती। बाकी रह गया जमा तफरीका बंदा लांदा रवे पता नहीं पहुंचे या ना पहुंचे पता नहीं मदद होवे या ना होवे तेरा काम है मदद कर देना। अगे मालक ने असबाब पैदा फरमाने जी अकलां ते गल बंदा लई रखे ते कई अकल वाले बाजी हार जांदे ने ते बेअकल बाजी जित जांदे ने ते पीर वारिस शाह ने भी यही फरमाया बोलो सुभान अल्लाह। पीर वारिस शाह फरमांदा कोई बेअकला कोई बे अकला बाजे जिते जांदा ते कोई अकल वाला बाजी हारदा हे वारस ना कर मान तो वारसांदा ओ वारस वारस ना कर मान तो वारसांदा हो रब बे वारस करे मार दाए ओ वारस ना कर मान तो वारसांदा हो
इस करे महान दा। अल्लाह सोने दे बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह सुनना सुनाना अपनी बारगाह।